हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ वेस्टर्न रेलवे RRC मुंबई वेरियस स्टेट अप्रेंटिसशिप की जो भर्ती आई है 5066, उस पोस्ट को किस तरीके से अप्लाई करेंगे और क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। तो यहाँ पे इस पेज का वैसे हम डायरेक्टली लिंक दे देंगे, जिससे कि इम्पोर्टेड डेट, अप्लीकेशन फ़ीस, जो भी आपकी एज क्राइटेरिया है आपकी मिल जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 5066 पोस्ट है दोस्तों, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका 10+ ITI मांगी गई है। जिस भी कैंडिडेट 10+ ITI है वो फॉर्म फिल कर सकता है अप्रेंटिसशिप का। तो यहाँ पे अप्लाई लिंक पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के अकॉर्डिंग इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको आने के बाद पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है, क्लिक हेयर रजिस्ट्रेशन। जैसे इस पर क्लिक करते हो उसके बाद यहाँ पर किस स्टेट से बिलोंग करते हो, आप बिलोंग स्टेट इस लिखेंगे। फिर उसके बाद आपके पास आप आधार कार्ड है तो आप यहाँ आधार नंबर मेंशन करेंगे। अगर नहीं है तो आई हैव अप्लाई फॉर आधार कार्ड पे क्लिक करके आपको एप्लीकेशन रिसिप्ट देनी पड़ेगी एक्नॉलेजमेंट नंबर की। तो यहाँ पे आधार कार्ड नहीं है तो आपको नहीं देनी पड़ेगी। जहाँ पे देख सकते हैं तब आपको आधार एनरोलमेंट नंबर देना होगा। आधार कार्ड है तो आधार कार्ड नंबर फिल करिएगा। फिर यहाँ पे कैंडिडेट का यहाँ पे फुल नाम लिखेंगे, जो भी मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट में होगा। फिर यहाँ पे फादर्स नेम फिल करेंगे यहाँ पर, जो भी आपके मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट में। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद कैमट्यू आप सेलेक्ट करेंगे, SC ST OBC जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एक वैलिड ईमेल आईडी डालना है और यहाँ पे वैलिड मोबाइल नंबर डालना है, जो आपके पास अवेलेबल होना दोनों कंपलसरी है, क्योंकि दोनों ईमेल पे आपका मोबाइल पे OTP आता है और ईमेल पे आपको जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड सेंड किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी और जो भी आपका मोबाइल नंबर है प्रॉपरली फिल कर लीजिए। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप मेंशन करेंगे, अपने एज के अकॉर्डिंग जो भी मार्कशीट पे दी गई है वही डेट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। चलिए हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लेते हैं, जो भी डेट है आप भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया। जैसे सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली एज कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो अगर आपका यहाँ पर आप 22/10/2024 के अकॉर्डिंग से एज कैलकुलेट की जाती है, अगर आप इसके अकॉर्डिंग आते हैं 24 साल के अंदर होते हैं तो आप इस फॉर्म को OBC वाले कैंडिडेट फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग छूट भी दी गई है, लेकिन आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपको इस तरीके का अगर मैसेज आता है तो ये समझ जाइए कि जो भी आपने एज डाली है, जो भी आपकी एज है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म को नहीं फिल कर सकते। तो चलिए हमारा ये जो डेट ऑफ बर्थ है मैंने फिल कर लिया। फिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग आपका शो हो जाएगा। आपको पूछा जा रहा है आज यू फिजिकल हैंडीकैप ही, यस या नो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद आपने किस डेट से आपने अप्लीकेशन जनरेट किया है, ITI फीटर जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। फिर ITI पास ट्रेडिंग आप सेलेक्ट करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर जैसे कि इलेक्ट्रीशियन चूज करता हूँ, फीटर चूज करता हूँ, तो यहाँ पर फीटर का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जो भी आपने डिटेल दी है एक बार रिव्यू करने का ऑप्शन आ जाता है। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे इस तरीके का डैशबोर्ड दोस्तों ओपन हो जाएगा। आपको स्पष्ट बताया गया है कि जो भी आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, आईडी है, पासवर्ड है, सेंड किया गया है आपके ईमेल आईडी पर, और यहाँ पर बताया गया है कि आपके जो मोबाइल नंबर उस पर OTP गया है। OTP को आपको यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड मिला है उसको आपको डाल करके OTP डालनी है। तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे जो भी आपके मेल आईडी पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर और जो भी पासवर्ड मिला है उसको यहाँ पे प्रॉपर फिल करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे आप दोस्तों क्लिक करते हैं इस तरीके का मैसेज होता है कि आपका रजिस्टर्ड ये जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP आया है। OTP यहाँ डाल करके वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। यदि आपका यहाँ बताया गया है अगर आपके मोबाइल पर OTP नहीं आई है तो दोबारा से रिसेंट को ऑप्शन भी है, आप अपना रिसेंट ऑप्शन पे क्लिक करके दोबारा OTP रिसीव कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर फॉर्म फिल करते समय गलत हो चुका है तो यहाँ पे चेकलिस्ट पे क्लिक करके आप अपने नंबर को भी एडिट कर सकते हैं। तो वेरीफाई पे जैसे क्लिक करेंगे आपका वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद आपको इस तरीके का पेज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको चेंज पासवर्ड को ऑप्शन मिलता है, यहाँ बताया जाता है आपको पासवर्ड को बताया गया है कि इंटर योर ओल्ड पासवर्ड, जो भी मेल आईडी पे जो पासवर्ड पहले रिसीव हुआ था उस पासवर्ड को प्रॉपरली फिल कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे न्यू पासवर्ड और
कन्फर्म पासवर्ड पे आपको एक पासवर्ड तैयार करना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, आपको पहला अक्षर बड़ा लिखना है अपने नाम के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद जो भी एलिमेंट है अपने अकॉर्डिंग स्मॉल लिखे हैं, फिर एट द रेट उसके बाद जो भी ईयर है आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे, जैसे 2005 में जन्म हुआ, 2005 2001 में जो भी जन्म हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग मेंशन कर लेंगे। अपडेट पर आपको क्लिक करना है, जैसे अपडेट करेंगे सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। अगेन आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड लेकर के लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे दोस्तों इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है किस जोन से आप फिल करना चाहते हो। यहाँ पे डिवीजन वर्क्स आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे इस तरीके का मैसेज होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशन डिटेल, आपको मेट्रिकुलेट सर्टिफिकेट डिटेल फिल करना है। यहाँ पे आपको पहले बोर्ड आप एग्जाम अथॉरिटी आपको सिलेक्ट करना है, अगर आपका स्टेट इसमें शो करता है ठीक है, नहीं तो अदर स्टेट सेलेक्ट करके आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी बोर्ड से आप पास किए हाई स्कूल आप मेंशन कर लेंगे। फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट नेम आपको मेंशन करना है, पासिंग ईयर लिखना है इसमें और SSC की इक्वलिटी मार्कशीट नंबर इसमें मेंशन कर लेंगे। जैसे ही मार्कशीट नंबर मेंशन करेंगे आपको अगेन आपको पेश होगा, तो यहाँ पर आपको आपके अकॉर्डिंग पूछा जाता है कि जो भी आपके नंबर है बारी बारी से आपको सिलेक्ट, मैक्सिमम मार्क का ऑप्शन आ जाता है और आप 10 मार्क का बारी बारी से सभी सब्जेक्टों को आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। सभी सब्जेक्टों को सेलेक्ट करके और ऑप्टेन मार्क और मैक्सिमम मार्क आपको यहाँ पे शो कर देना है। तो यहाँ पे आप शो कर सकते हैं। फिर उसके बाद एड्रेस डिटेल फिल करना है। एड्रेस डिटेल आपको यहाँ पे फिल करने के लिए आपको इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें आपको विलेज एंड पोस्ट इसमें एक साथ मेंशन कर सकते हैं। इसमें आप डिस्ट्रिक्ट मेंशन करिएगा, फिर स्टेट ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होगा, एरिया को यहाँ पे पिन कोड मेंशन कर लेंगे। फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे इस तरीके का पेज होगा, आपको यहाँ पे ITI की डिटेल आपको फिल करना है, जैसे कि ITI पास ट्रेड आपको यहाँ पे डिजाइनर ट्रेड आपका शो होगा, ITI पासिंग ईयर आप मेंशन करेंगे और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करेंगे जो भी आपके पास प्राप्त हुआ है ITI का, उसको मेंशन करने बाद इंस्टीट्यूट नेम लिखेंगे और एक यहाँ पे सक्रीफाई अथॉरिटी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद मैक्सिमम मार्क मेंशन करेंगे, ऑप्टेन मार्क और ऑटोमेटिकली परसेंटेज आ जाएगा। एक चीज़ और दोस्तों बताता है, इसमें जब भी फॉर्म फिल करेगा स्पेशल कैरेक्टर इसमें यूज नहीं किया जाएगा, इसमें स्पष्ट बताया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम देख सकते हैं इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड की। तो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे सब कुछ अपलोड करना है, जैसे कि आपको सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, हाई स्कूल की सनद होनी चाहिए, अगर सनद नहीं मार्कशीट में इंक्लूड है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वो मार्कशीट यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको हाई स्कूल की मार्कशीट फोटो अपलोड कर लेना है, एक पासपोर्ट साइज आपका। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे साइन अपलोड कर लेना है और यहाँ पर आपको हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करनी है, ITI की टेस्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है और ITI की मार्कशीट अपलोड करनी है और यहाँ पर आपको हाई स्कूल की मार्कशीट फिल कर लेनी है। तो जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल का होगा, वो भी अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको स्क्रॉल डाउन करके नेक्स्ट दिखाते हैं। यहाँ पे दोस्तों फोटो देख सकते हैं हमारा अपलोड हो चुका है और जैसे ही फोटो अपलोड होगा तो यहाँ पर अपलोड पर जरूर क्लिक करिएगा तो फोटो आपका यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। उसी तरीके से साइन को अपलोड कर लेना है और यहाँ पर आपको आपको जो भी अपलोड करना है 50 KB के अंदर ही अपलोड कर लेना है। उसी तरीके से आपको यहाँ पे हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड कर लेना है और अगर कोई भी दूसरा सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करके उसको भी अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा अपलोड हो चुका है। 10th की लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास है, स्कैन कॉपी अप्रूव डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, तो उसे अपलोड करेंगे। तो अगर नहीं है तो आप मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपको स्कैन कॉपी काउंसलर मार्कशीट आल सेमेस्टर ट्रेड वाइड वैकेंसी प्रोविजनल सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको जो आपकी ITI की ट्रेड सर्टिफिकेट है उसको अपलोड कर लेना है और PDF फॉर्मेट हम अपलोड कर चुकी है। फिर उसके बाद आपको NCVT प्रोविजनल ट्रेड सर्टिफिकेट अपलोड कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे स्कैन कॉपी अपलोड करना है कास्ट सर्टिफिकेट की और उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म रिगार्डिंग करेंट स्टेटस OBC नॉन क्लेमेबल का NHRD है तो उसको भी अपलोड कर सकते हैं। NHRD बनवाने के लिए आपको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आय प्रमाण पत्र ही अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए मेरे अकॉर्डिंग आय प्रमाण पत्र नहीं है तो नो पे क्लिक करके उसके बाद हम सेव पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आपको स्पष्ट बताया गया है कि आपको यहाँ पे आय प्रमाण पत्र कंपलसरी है, तो आय प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड कर देंगे और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे।
भी देख सकते हैं हमारा मार्कशीट, टेट सर्टिफिकेट और यहाँ पे फोटो साइन और कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट अपलोड हो चुका है। अब हम यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके डिटेल के अकॉर्डिंग आपका जो डिटेल है शो हो जाएगा। अब आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग डिक्लेरेशन को चेक मार्क कर लेना है। तो चलिए हम डिक्लेरेशन को सभी को चेक मार्क कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे मैक पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, आपको मैक पेमेंट पे क्लिक करना है। चलिए हम मैक पेमेंट पे क्लिक करते हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं SBI नेट बैंकिंग का ऑप्शन है और अलग से भी और भी ऑप्शन है अलग अलग चार्जेस के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम SBI नेट बैंकिंग क्लिक करके अपना पेमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करके लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पेमेंट हो चुका है। अब यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन पे क्लिक करके अपना फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। इस तरीके से आप जो है वेस्टर्न रेलवे RRC बम्बई का अप्रेंटिसशिप का फॉर्म जिस कैंडिडेट ने नहीं भरा आसानी से भर सकता है। ओके दोस्तों, थैंक यू।